Sairam children, I welcome you back for our previous chapter, chapter 4 in Hindi, Man Karta Hai. So children, I hope आपने chapter अच्छे से पढ़ा होगा और जो मैंने आपको तीन exercise दी थी, कठिन शब्द, शब्दार्थ, आपने वो अपने complete करा होगा. Okay children, now come to book exercise. तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और लिखना है आपको क्यों. ठीक है बच्चों, लाइक घर में आप पे कौन कौन धौंस जमाता है और स्कूल में, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे मैं बच्चा हूँ और मैं लिखूँगी, मेरी दीदी घर में मुझ पर धौंस जमाती हैं क्योंकि जब मैं अपना काम पूरा नहीं करती. ओके चिल्ड्रन, लाइक दिस आप बताओगे कौन कौन धौंस जमाता है और फिर आप ये भी लिखोगे क्यों. ऐसे ही स्कूल में कौन कौन धौंस जमाता है. स्कूल में मेरी अध्यापिका मुझ पर धौंस जमाती है क्योंकि मैं बहुत शैतानी करती हूँ. ओके, लाइक दिस आपको क्योंकि भी लिखना है. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है. अब आप इसमें लिखोगे मन करता है ची ची चू चू शोर मचाऊं, तो आपका कब मन करता है. आप आंसर लिखोगे बच्चों इसमें, जब मेरा मन इधर उधर घूमने को करता है या चिड़िया को उड़ते देखता हूँ तब मन चिड़िया बन जाने का करता है. आप क्या आंसर लिखोगे. आप लिखोगे इसमें, जब मेरा मन इधर उधर घूमने को करता है या चिड़िया को उड़ते देखता हूँ तब मन चिड़िया बन जाने का करता है. आपको ये आंसर लिखना है. ओके, आप बुक में लिखें. ओके, बट डेट वाइज लिखेंगे आप सारा वर्क. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन किस पर अकड़ जमाता होगा. जैसे इसमें लिखा हुआ है आसमान में, खेल में, जंगल में, स्कूल में, नदी में, घर में. कौन किस पर अकड़ जमाता होगा. अब आपको इसका आंसर लिखना है. तो बच्चों आप ऐसे लिखेंगे, मैंने आपके लिए सारे सॉल्यूशन लिख रखे हैं. आसमान, जैसे चांद या पक्षी आसमान पर अकड़ जमाते हैं. पहला आपका क्या था, आसमान. तो चांद या पक्षी आसमान पर अकड़ जमाते होंगे. पहला आपका आसमान है. चांद या पक्षी आसमान पर अकड़ जमाते होंगे. दूसरा है बच्चों आपका जंगल में. जंगल में कौन अकड़ जमाता है. शेर जंगल का राजा होने के कारण अकड़ जमाता होगा. शेर जंगल का राजा होने के कारण अकड़ जमाता होगा. नदी में मगरमच्छ अकड़ जमाता होगा. नदी में कौन अकड़ जमाता होगा, मगरमच्छ. खेल में कप्तान या बड़े लड़के छोटों पर अकड़ जमाते होंगे. खेल में कप्तान या बड़े लड़के छोटों पर अकड़ जमाते होंगे. स्कूल में मॉनिटर अध्यापिका या प्रधानाचार्य सब पर अकड़ जमाते होंगे. ओके,
नाउ लास्ट, घर में कौन अकड़ जमाता होगा? घर में माता पिताजी बड़े भाई बहन अकड़ जमाते होंगे. ओके चिल्ड्रन, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. आप ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स नोटबुक में लिखिएगा. मन करता है चिड़िया बनकर, उसका भी, और ये जो आसमान में, जंगल में, नदी में, इसका भी आप आंसर नोटबुक में ही लिखिएगा. ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तुम्हें तरह तरह की मूछें देखी होंगी, यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है. यहाँ पे एक मूछ बनी है, कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो. ओके चिल्ड्रन, एक मूछ बनी है और उसके नीचे डैश है. आपको अब दो और तरीके की मूछें बनानी है और उसको आप अपने मन से नाम दो. जैसे पहली जो मूछ है आपकी, हम उसको क्या बोलेंगे? राजपूती मूछ. राजपूती मूछ देखी है आपने, बड़ी बड़ी होती हैं, राजपूती मूछें. ओके, दूसरी आपने ऐसे वाली बनाई, इसको हम क्या दे सकते हैं? तलवार कट मूछें. इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? तलवार कट मूछें. थर्ड आप ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं, मुगलाई या चीनी मूछें. मुगलाई या चीनी मूछें. ओके चिल्ड्रन, पहली राजपूती मूछें, दूसरी राजपूती मूछें, दूसरी तलवार कट मूछें, तीसरी मुगलाई या चीनी मूछें. ओके चिल्ड्रन, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. यस, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है? लिखो और अपनी सूची अपने साथियों को मिलाकर देखो. अब किसका मन क्या क्या करने को करता है? जैसे हम लिखेंगे नाम, जैसे आपकी दीदी, दीदी का क्या मन करता है? बॉक्स बना हुआ है, ये क्वेश्चन आप बुक में ही करेंगे. नाम लिखेंगे जैसे दीदी, और उसके उनके आगे लिखेंगे खेलना व टीवी देखना. उनका क्या मन करता है? खेलना व टीवी देखना. दूसरा नाम लिखेंगे आप अपनी फ्रेंड का, अपने आप साथियों का नाम लिखेंगे. जैसे दूसरा नाम ले सकते हैं आप गीता, हर समय बाहर घूमना, या आपकी जो भी फ्रेंड है उसका नाम लिखेंगे आप इधर. थर्ड साक्षी, फोर्थ रोहित, और जो भी आप यहाँ पे नेम्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के. और आप यह आंसर दे सकते हैं हर समय बाहर घूमना, क्या उनका मन करता है? साक्षी का हवाई जहाज़ में सैर करना, और रोहित का खिलौने तोड़ना या खिलौनों से खेलना. ओके चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन आप बुक में ही करेंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सामान तुम्हें चाहिए, कोई पतला कागज, झाड़ू की तालियां, गोंद, टेप या कैंची. तो जैसे इसमें आपको दिया हुआ है तरीका, पहले आपको कागज़ को चकोर काटना है. कागज़ लिया आपने, उसको चकोर काटा. आप इसमें अपने पेरेंट्स की हेल्प लेंगे, खुद नहीं करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीजर. उसमें गोंद या टेप से दो तीलियां चिपका लो. आपको उसमें, उस पेपर में गोंद की हेल्प से या टेप की हेल्प से आपको दो तीलियां चिपकानी हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है. जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है, आपको क्या बनानी है? आपको पतंग बनानी है. ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको क्या बनाना है? पतंग. फिर तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना,
टुकड़ा काट कर चिपका दो, पतंग तैयार है आपकी। ओके चिल्ड्रन, आई होप लाइक दिस यू विल डू, यू कैन हैव अ व्यू ऑल्सो। लाइक दिस आपको इस तरीके से एक पेपर लेना है, दो तीलियां लेनी हैं, एक लंबाई में और एक थोड़ी स्लैंटिक शेप में, और नीचे एक पूंछ सी बनानी है, और इस तरीके से आपको पतंग बनानी है। ओके चिल्ड्रन, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सोचो और बताओ, जैसे सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? यस, रोज संसार को प्रकाश मिल सके इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। ओके, ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं, आपको ये भी नोटबुक में करने हैं। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? रोज संसार को प्रकाश मिल सके इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। चिल्ड्रन, जो वर्क मैं आपको हिंदी की बुक में कहूँगी वो आपको बुक में करना है, और जो मैं नोटबुक में कहूँगी वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में ही करना है। कोई रफ नोटबुक नहीं, कोई अलग नोटबुक नहीं। ओनली यू हैव टू डू योर वर्क डेट वाइज इन योर फेयर नोटबुक। वॉट वर्क आई विल टेल यू डू इन नोटबुक, दैट इज़ योर ओनली फेयर नोटबुक। अंडरस्टूड? रोज संसार को प्रकाश मिल सके इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा। चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? चंदा चिड़िया पेड़ों पर उछल कूद करके खुश होती होगी इसलिए शोर मचाती होगी। चिड़िया पेड़ों पर उछल कूद करके खुश होती होगी इसलिए शोर मचाती होगी। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? चंदा बाकी तारों से बड़ा व ज़्यादा चमकदार है इसलिए अकड़ता होगा। चंदा ज़्यादा बड़ा होता है ना, बाकी तारे तो छोटे छोटे होते हैं, तो इसमें लिखा है चंदा बाकी तारों से बड़ा व ज़्यादा चमकदार है इसलिए अकड़ता होगा। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू नेक्स्ट। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? दादा घर में शरारत करने को मना करके कहीं आने जाने पर रोक लगाकर धौंस जमाते होंगे। आप शरारत करते होंगे घर में, तो आपके दादाजी कहते होंगे कि शरारत मत करो, या फिर आप कहीं पे जा रहे हो उन्हें बिना बताए, तो वो आप पे रोक लगाते होंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो ऐसे धौंस जमाते होंगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ एक मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। क्लोज योर आईज, आंखें बंद करके क्लोज योर आईज और बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो, आप आसपास की आवाज़ें सुनो। अब आंखें खोलो, क्या याद है तुमने किस किस की आवाज़ सुनी थी? आपको याद है जब आपने अपनी आंखें बंद करी थी और फिर आपने किस किस की आवाज़ सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पक्षियों की आवाज़ सुनी, पंखे की, टीवी की या एसी की या फिर कूलर की, खेलते या रोते बच्चों की आवाज़ सुनी, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ इत्यादि सुनाई देती है। हमें पक्षियों की आवाज़, पंखे की, टीवी की या एसी की आवाज़, खेलते या रोते बच्चों की आवाज़, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ इत्यादि सुनाई देती है। ओके,
नाउ कम टू नेक्स्ट। एक मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ओके। और आपको कैसी, मैंने आपको बताया अभी, एसी, पंखे या फिर हवाई जहाज़, शोर करते बच्चे, रोते बच्चे इत्यादि की आवाज़ सुनाई देती होगी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस व्हाट यू हैव टू सी, इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे, इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे। इसमें आपको आंसर लिखना है, जैसे इसमें दिया हुआ है, ये एक पहेली है, कागज़ का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। मीन्स ये एक पहेली है, इसमें आपको लिखना है कौन कौन बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। जैसे ये एक पहेली है, हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो जैसे आप लिख सकते हो कागज़, धागा, इसमें अलग अलग दिया हुआ है, इसमें आपको इसको क्या करना है, यस, तो आपको इस पहेली को सॉल्व करना है। और यहाँ पे दिए गए चार, उसमें हमें लिखना है कि कौन कौन सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा था इसमें। जैसे कागज़ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगी, आप इसे सोचेंगे इस पहेली को, फिर हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे, पहले आप अपना गैस निकालेंगे। जैसे कागज़ होता है, आपने कोई बुक ओपन करके रखा, ओके, और उसके आपके जो पेजेस हैं वो टर्न ऑन होते जा रहे हैं, तो वो आवाज़ करते हैं ना, सेम इसमें आपको लिखना है कि कौन सबसे ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, ओके चिल्ड्रन। सो इन दिस व्हाट क्वेश्चंस आर हैविंग स्पेस दैट यू विल डू इन योर, यस, दैट यू विल डू इन योर बुक ओनली, एंड व्हाट आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। अंडरस्टूड, दैट इज़ क्लियर। ये जो पहली वाला क्वेश्चन है ये हम बुक में ही करेंगे, पहले आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे, फिर हम उसे रिपीट करेंगे। अंडरस्टूड चिल्ड्रन, ओके। ऑन नेक्स्ट टर्न वी विल टेक आर वर्कबुक, ओके, एंड आई विल गिव यू 5 मोर क्वेश्चंस टू डू इन योर नोटबुक। अंडरस्टूड चिल्ड्रन, हम जब नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे हिंदी के, तो हम वर्कबुक का वर्क करेंगे, इस चैप्टर का, 4th चैप्टर का, क्योंकि हमारा जो बुक का वर्क है और जो हमने एक्सरसाइज करी है नोटबुक में वो हमारी कंप्लीटेड है। अब हमें क्या करनी है, अब हमें जो वर्कबुक की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस का प्रश्न उत्तर का भी अभ्यास करेंगे। अंडरस्टूड चिल्ड्रन, आई होप यू क्लियर विद दिस दैट व्हाट वी हैव टू डू इन दिस, ओके। सो डू कंप्लीट योर वर्क एंड व्हाट क्वेश्चंस आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू, ओके चिल्ड्रन। जैसे आप इसमें मूछ वाला जो क्वेश्चन है, आप मन करता है ये करेंगे आप अपनी नोटबुक में, दूसरा आप स्कूल में, घर में कौन कौन आप पे धौंस जमाता है, एक आप ये वाला क्वेश्चन नोटबुक में करेंगे और एक ये वाला क्वेश्चन, मूछ वाला आप इसी में करेंगे और ये वाला आप खुद से लिखेंगे। अंडरस्टूड, उसके बाद आपको सॉल्यूशन मैंने सबके दिए हैं, आप उसी में से देख के लिखेंगे, फिर आपका ये बुक में क्वेश्चन है, ऐसे कॉलम बने हुए हैं, आपको ये वाला क्वेश्चन बुक में ही करना है। आपको ये
पेपर पे बनाना है, ओके। क्राफ्ट पेपर ले लीजिएगा, उस पे बनाएंगे और आप अपनी बुक में ही पेस्ट करेंगे साइड में। फिर आपको एक ये वाला प्रश्न करना है नोटबुक में, फिर ये वाला प्रश्न करना है आपको नोटबुक में। आंसर्स भी हैं इसके, चिड़िया चंदा तारों पर कैसे धौंस जमाते हैं। फिर आपको एक ये वाला प्रश्न करना है और एक ये वाला। आपको 6 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करने होंगे, ओके। और फिर जब हमने ये आंखें बंद करने वाला करा था, इसके लिए भी स्पेस है, तो आप ये वाला प्रश्न भी अपना बुक में ही कंप्लीट करेंगे, बुक में ही लिखेंगे। आप वहाँ पे स्पेस दी गई है आपकी बुक में, आप उसको वहीं पे ही करेंगे। मैं आपको शो कर देती हूँ, यहाँ पे ये स्पेस दी गई है, ये वाला प्रश्न आप यहीं पे इसका आंसर लिखेंगे। अंडरस्टूड? आई होप दिस इज़ क्लियर। और पहेली वाला क्वेश्चन आप गैस करेंगे, उसके बाद हम इसे रिपीट करेंगे। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, थैंक यू। नाउ वी विल कंटिन्यू विद आवर चैप्टर ऑन नेक्स्ट टर्न, ओके। सो डू कंप्लीट योर वर्क वेरी नीटली इन योर नोटबुक एंड रीड ऑल्सो एट वंस। सो चिल्ड्रन, बाय।